वेलकम टू आवर चैनल लिटिल चिप्स। सपोर्ट के नानी के लिए हमारी वीडियो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। टू कप एक कप पाउडर, ये हमें रेडीमेड मिला था, हमने रेडीमेड ही लिया है यहाँ पे। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे आप सूजी के केक वाली रेसिपी देख सकते हो। हमने सूजी के साथ केक की रेसिपी भी अपलोड की हुई है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर, यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर ली है। अगर आइसिंग शुगर आपके पास नहीं है तो आप मिक्सी में अपनी नॉर्मल शुगर को पीस के डाल सकते हैं। हमने जो केक का बैटर लिया है, केक मिक्स लिया है, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और हमने वो भी छान लिया था ताकि ये स्मूथ बैटर बने हमारा। ये देखिए, हमने यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, हमने अजंता का बेकिंग पाउडर लिया है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, ये देखिए ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ये हम 1/2 चम्मच डालेंगे। ये देखिए, अब हम इसे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हम 6 से 7 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस डाल रहे हैं, ये देखिए ये भी मार्केट में अवेलेबल होता है इजीली। जैसे कि अब लॉकडाउन थोड़ा सा लॉकडाउन में छूट मिल चुकी है, आप मार्केट में इसे इजीली लेके आ सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे घी, अगर आप यहाँ पे घी नहीं डालना चाहते तो आप बटर डाल सकते हैं। अगर आपके पास वेनिला एसेंस अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास दूध, हम धीरे धीरे करके डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर बना के रखेंगे। यहाँ पे हमने बॉइल्ड मिल्क लिया है, यानी कि गर्म मिल्क लिया है हमने। यहाँ पे हम इसे धीरे धीरे डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स भी आ जाएंगे। और अगर आप इसमें एक साथ ही दूध डाल देंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं रहेगी, ये बिल्कुल पानी जैसा बन जाएगा अगर आप ज़्यादा दूध डाल देंगे। ऐसे हम धीरे धीरे डाल रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें और कितना दूध चाहिए। ये देखिए हमारे बैटर में कितने अच्छे बबल्स आ चुके हैं, इसका मतलब है हमारा केक का बैटर बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये। अगर आपका केक की कंसिस्टेंसी ऐसी होगी तो फिर आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए, अब हम एक कंटेनर लेंगे और उसको बटर पेपर लगा सकते हैं उसमें, या फिर बटर से ग्रीस कर दीजिएगा। और अगर बटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप घी से भी कर सकते हो ग्रीस, और उसमें हम ये बैटर डाल देंगे। ये देखिए, हमने इस कंटेनर को अच्छे से ग्रीस कर लिया और इसके अंदर बटर पेपर भी लगा लिया। हमारे पास ये इतना सा अवेलेबल था तो हमने ये भी लगा लिया और बाकी कंटेनर को ग्रीस भी कर लिया। अब हम इसमें बैटर डालेंगे, ये देखिए हम इसे ओवन में पकाएंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे कुकर में भी पका सकते हैं। ये देखिए, हमने सारा केक का बैटर इसमें ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे, ये देखिए बंद कर देंगे। हमने केक की डेकोरेशन के लिए 2 ओरियोस लिए हैं।
दो पैकेट ओरियोज़ के लिए हैं हमने, 10 रुपीज़ के लिए हैं। हम इसमें से बिस्किट अलग और क्रीम अलग कर लेंगे कि हम ऐसे ये क्रीम अलग और बिस्किट अलग कर लेंगे। ऐसे ही हम बाकी बिस्किट के साथ भी कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे ओरियोस के साथ ऐसा ही किया है। अब हम क्रीम में थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। हमने इसमें 3 चम्मच दूध ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ। देखिए हमने इसको विस्क कर करके ये देखिए कितनी अच्छी व्हिपिंग क्रीम बन गई है। इसे हम केक को डेकोरेट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसकी क्वांटिटी फूल चुकी है। और देखिए हमने ओरियो बिस्किट्स को ऐसे हाफ कट कर लिए हैं। अगर आपकी क्रीम बनाते समय इसमें पानी आ जाता है, पानी अलग हो जाता है, तो फिर आप उस पानी को अलग कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा इसमें से, और फिर आप इसे विस्क कीजिएगा दोबारा से, और ये बहुत अच्छी क्रीम बन जाएगी, व्हिप्ड क्रीम। ये देखिए केक को बनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा केक 10 मिनट बाद ऐसा है, ये बिल्कुल फूल चुका है पहले से। ये अभी हम निकालेंगे नहीं क्योंकि अभी ये कच्चा ही है। अभी हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए और पकाएंगे, और ये बीच में से अभी कच्चा है, सिर्फ इसके ऊपर की परत पकी हुई है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना ग्लॉसी है। ये देखिए अब 35 मिनट हो चुके हैं। हमारा केक बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा बना है हमारा केक। अब हम इसे निकाल लेंगे और डिमोल्ड कर लेंगे। ग्लेज बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। इसे हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कोकोआ पाउडर, इसे भी हम छान लेंगे। मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें हम 4 बूंद वेनिला एसेंस डालेंगे। ये देखिए हमने 4 बूंदें डाल ली हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे दूध डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा घी डाला है, और ये हमारा थोड़ा सा लिक्विड ही हो गया था, तो हमने इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। ये देखिए अब बिल्कुल रेडी है हमारे ग्लेस। देखिए बिल्कुल इतनी ही थिक होनी चाहिए।
देखिए कितनी ग्लोसी है, कितनी शाइन कर रही है ये ग्लेस। हमने अपने केक को डिमोल्ड कर लिया है और इस पे हम अपनी चॉकलेट ग्लेस डाल रहे हैं जो हमने बनाई थी। देखिए हमने इस पे अच्छे से ग्लेज लगा लिए। हमने यहाँ पे एक बर्ड का हाफ एक पीस लेके उसे हाफ तोड़ के यहाँ पे लगाया है। हमने ऐसे कर्व करके ओरियोज लगा लिए इसमें। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बाजारी लग रहा है केक। ये देखिए हमारा बर्थडे केक बनके बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल बाजारी लग रहा है ना, घर पे ही बना है और हेल्दी भी है। और आप इसे लॉकडाउन में अपने बर्थडे पे ज़रूर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है, डिलीशियस बनता है ये। और ये रेसिपी भी बच्चों ने ही बनाई है। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपके आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी ये रेसिपी कैसी बनी।